ब्राउज़र की सपोर्ट कैसे चेक करते हैं? इसका सिंपल आसान तरीका तो यह है कि आप अपने पेज को ब्राउज़र में लोड करें। अगर आपका पेज प्रॉपरली शो हो रहा है विद स्टाइल्स, इसका मतलब है आपके स्टाइल्स ब्राउज़र में सपोर्टेड हैं। अगर वो नहीं शो हो रहे, कहीं कोई स्टाइल आपका मिसिंग है, तो वो स्टाइल उस ब्राउज़र में सपोर्टेबल नहीं है। फिर भी आपको देखने के लिए, याद रखने के लिए आपको मैं कुछ लिंक्स बता देता हूँ जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ब्राउज़र किस किस प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है और नहीं करता। एक लिंक है canius.com cats=css। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं css की, css इनिशियल वैल्यूज़, कुछ स्टेजेस दी हुई हैं जो कि css डॉक्यूमेंटेशन की स्टेजेस भी हमने देखी थी पिछली वीडियो में, कि वो किस किस ब्राउज़र में सपोर्टेड है और किस किस रवैये में। IE8 में ये नॉट सपोर्टेड है ब्राउज़र यूज भी लिखा हुआ कि एज में, Edge 12 में ये नॉट सपोर्टेड है। अब किस तरह होवर करें, जिस इस पे होवर करेंगे उसका बता देगा वो पहला सपोर्टेड है या नहीं है। इस तरह 8.4 सफारी पर सपोर्टेड करता है। इस तरह ये वाली प्रॉपर्टी, लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी, रिकमेंडेशन स्टेज में कहाँ कहाँ सपोर्टेड है। IE8 में पार्शली सपोर्टेड थी, IE10 में सपोर्टेड हो गई। इस तरह पैरा मिनी नॉट सपोर्टेड थी, एंड्रॉयड 4.4 ब्राउज़र सपोर्टेड थी। इस तरह की सारी चार्ट के हिसाब से दिया हुआ है कि कौन कौन सी स्टेजेस और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सपोर्टेड थी और कौन सी नहीं थी। इसके साथ एक लिंक है quixmode.org/compatibility.html। आप इसको देख सकते हैं quixmode.org/compatibility.html। इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज के नाम से, लाइक डोम सी एस एस, फायरफॉक्स 3.0, फायरफॉक्स 3.1, फायरफॉक्स 3.60 अवेलेबल, यह सपोर्टेड था। सफारी सपोर्टेड क्रोम के दिए हुए हैं, इस तरह ओपेरा के, सी सब्जेक्ट मॉडल यू। अब इनको क्लिक करें, उसके डिटेल प्रॉपर्टीज में जाकर देख सकते हैं आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज किस किस वर्जन में सपोर्टेड थी। फिर अल्टीमेटली एक ऑनलाइन विकिपीडिया फोरम है, इस पर आप देख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ लेआउट इंजन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट के नाम से सर्च करें। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं और किस किस एरिया को, किस किस प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करते हैं। CSS2 ट्राइडेंट HTML 12 में सपोर्टेड थी, CSS2 ट्राइडेंट में नो नॉट सपोर्टेड थी। इस तरह वेबकिट में नो सपोर्टेड है गिवन प्रॉपर्टीज। इस तरह CSS3, CSS2 सारी डिस्क्रिप्शन डिटेल के साथ लिखी हुई है। फिर एक बारी आती है मोज़िला डेवलपर नेटवर्क की, इसके ऊपर आप देख सकते हैं सिलेक्टर बताए हैं कौन कौन सिलेक्टर सपोर्टेड हैं या नहीं है, किस ब्राउज़र में सपोर्टेड था। 1.0 में यस सपोर्टेड, सिलेक्टर EF चाइल्ड सिलेक्टर, सिबलिंग सिलेक्टर प्लस, ये कहाँ कहाँ सपोर्टेड था, कहाँ कहाँ नहीं सपोर्टेड, ये सारे सिलेक्टर्स तरतीब से इसने बताए हुए हैं, तफसील से लिखे हुए हैं। ये ज़रूर पढ़े, आई रिकमेंड कि ये ज़रूर पढ़ें। फिर क्रोमियम का ब्लॉग है blog.chromium.org, इस पर इसने सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन के साथ लिखी हुई हैं, इसको देखें, ओपन करें, एक्सप्लोर करें और पढ़ें। फिर अल्टीमेटली ओपेरा, इसके ऊपर भी सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ स्पेसिफिकेशन सपोर्ट ने पेरा प्रेस्टो 2.1.12, इस पर क्या क्या सपोर्टेड था पेरा किस वर्जन के अंदर, वो सारी चीज़ें मैंशन है किस वर्जन के अंदर क्या क्या चीज़ें सपोर्टेड थी, क्या क्या नहीं सपोर्टेड थी। जैसा कि वो कुछ ऑनलाइन लिंक्स हैं, आप इनको देखें, एक्सप्लोर करें, आप इससे ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी चेक कर सकते हैं।